कभी शिव मंदिर में आप भगवान की आराधना करने के लिए जाएं तो जाकर निवेदन करें जो दूध आप खरीदते हो चढ़ाने के लिए, भले एक बूंद दूध मिले पर गौ माता का मिले, देसी गाय का दूध मिले। एक बूंद भी दूध अगर शंकर पर देसी गाय का चढ़ा दिया तो हजारों महामृत्युंजय मंत्र के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाए। एक बूंद चढ़ाओ, ज्यादा नहीं है ना सामर्थ्यता, थोड़ा चढ़ाओ पर उतना आपके दिल से, अपने हृदय से, अपनी चिंता से, अपनी वृत्ति से चढ़ना चाहिए, मन से चढ़ना चाहिए। एक बूंद चढ़े, हम शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ढेर सारी दूध की दुकान लगी हुई है, किसी एक ने भी जाकर किसी दुकान वाले से ये नहीं पूछा होगा कि ये गाय का दूध है कि नहीं, तो कहीं गलत दूध तो नहीं चढ़वा रहा है हमारे बाबा को, हमारे शंकर को, केवल कमाने के लिए तो नहीं चढ़ा रहा है। नहीं तो तू कमा तो लेगा, हमारा भी जीवन नाश हो रहा है और तेरा भी जीवन नाश हो रहा है। थोड़ा सा भले उसमें, आपको कथा में कहा था कि दूध में पानी नहीं, पानी में जम के बोलो जरा, पानी में दूध हो। हमारे शंकर जी को ये जरूरी नहीं है कि तुम, हम 100 लीटर दूध भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। अब वो 100 लीटर कौन सा दूध चढ़ाया तुमने, कहां से लेकर आए, कैसा लेकर आए, एक बूंद चढ़ा के पर देसी गाय का, और जाओ और जितनी दुकानें दूध की होती हैं शंकर भगवान को चढ़ाने वाली, उन सारे दुकान वालों को जो अपने गांव में, अपने नगर में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में जो गौशाला होती है, उन गौशाला में जाकर निवेदन करना चाहिए, साहब आप अच्छी अच्छी गाय पालिए, उन गाय का दूध हमारी दुकान पर लाकर बेचिए, हम उस दूध को शंकर जी के लिए बेचेंगे, आपकी गौशाला भी चलेगी, आपकी गाय का उत्थान भी होगा और गौ माता का आनंद भी होगा। पर हमने कभी नहीं सोचा कि गाय को जो भगवान शिव को जो दूध चढ़ रहा है, दुकान वाले से जाकर नहीं पूछा कि ये दूध कहां से आया, कैसा था, किसका था, कहां से आया, मालूम पड़े कहीं सोयाबीन का बना दिया, कहीं भैंस का लाकर दे दिया, कहीं काय का लाकर दे दिया, ना जाने काय काय का दूध हम भगवान शंकर को चढ़ा दिया, और हम आशा लेके बैठे हैं भगवान हमारा दूध हमने जो चढ़ाया वो स्वीकार करेगा। अपने बच्चे को एक जरा सी दवाई भी देती है ना तो पहले पति के प्राण खा जाती है। तुम डॉक्टर को फोन तो लगाओ, एक बार पूछो तो सही, एक बार पूछो तो ये अपन जो दवाई दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, जरा पूछो तो। डॉक्टर ने दवाई लिखी, उसके बाद भी मेडिकल वाले को बताई, मेडिकल वाले से दवाई लेकर आया, फिर वापस डॉक्टर को दिखाई, देखो डॉक्टर साहब दवाई यही है क्या, तुमने जो लिखी वही दवाई है क्या, हाँ साहब यही दवाई है। डॉक्टर ने कह दिया नहीं साहब ये दवाई नहीं है, तो तुमने वापस कर दी, हमें तो वही दवाई चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है, क्यों, क्योंकि हम उस कंपनी की खाएंगे, उस डॉक्टर की दी हुई खाएंगे तो हमारा रोग जल्दी मिट जाएगा। उसी तरह हम शंकर को एक बूंद भी अगर गाय का दूध चढ़ाएंगे तो हमारा दुख कट जाएगा, ये निश्चित, ये निश्चित।